दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेव्स प्रोटोकॉल के, वेव्स कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 2.03 USDT से ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छा क्विक पंप इसके प्राइस में कल से अभी तक देखने को मिला है। कल से अभी तक ऑलमोस्ट इसकी प्राइस में 50% से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिली है, 50% से ज़्यादा का ब्रेकआउट देखने को मिला है और रिसेंट वाले लोवेस्ट एरिया से इस कॉइन ने अभी तक 80 से 85% से ज़्यादा की रिकवरी की है। आपने अगर इस कॉइन में एंट्री ली है तो अभी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, कौन सा आपके लिए टारगेट्स रहेंगे, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वालिटी रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। करेंटली कॉइन 2.03 USDT पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इसकी प्राइस में देखने को मिला। ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है और यहाँ पर अगर देखें तो अभी 2.14 वाला लेवल इसने ट्राई किया है, ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डेली के चार्ट में देखें तो एक अच्छी खासी भरी पूरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें अभी देखने को मिली है। रिसेंटली इस कॉइन ने 1.21 वाला लो बनाया था 10th ऑफ जून को, यानी ऑलमोस्ट 12 टू 13 डेज एगो, और उसके बाद से अगर देखें तो स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही, बैक टू बैक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी कैंडल्स हमें डेली के अंदर देखने को मिल रही है, अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर कल से अभी तक बात करें, ओवरऑल उस लेवल से थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा था और जैसे ही BTC ने 31,500 वाला लेवल ट्राई किया तो बहुत सारे कॉइन्स में 50%, 60%, 40% तक का ब्रेकआउट देखने को मिला और इस कॉइन में 1.45 वाले लेवल से एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला। 15 मिनट की अगर आप कैंडल देखेंगे तो लगभग सभी कैंडल्स में अच्छा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। डेली की कैंडल में अगर देखें तो अभी आज की जो डेली की कैंडल बन रही है इसमें हमें 20 मिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो जहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला है 1.5 वाला लेवल, वहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया था, अभी इसके लिए सपोर्ट देखने को मिलेगा अगर 1.5 से ऊपर डेली क्लोजिंग होती हो है तो, और ऊपर की तरफ इस कॉइन को 2.15 वाला रेजिस्टेंस एरिया है। अब 2.15 से नीचे क्लोज करता है तो 2.515 वाला रेजिस्टेंस एरिया रहेगा और 1.8 जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया था उससे ऊपर डेली क्लोजिंग करता है तो 1.8 सपोर्ट देखने को मिलेगा। यानी कि 1.5 से ऊपर करता है तो 1.5 सपोर्ट रहेगा, 1.8 से ऊपर करता है तो 1.8 सपोर्ट एरिया देखने को मिलेगा। इससे पहले जो जनवरी वाला टाइम था या दिसंबर वाला टाइम था वहाँ पर भी इस कॉइन ने 1.25 वाला लो ट्राई किया था। यहाँ पर अगर देखें तो ये जनवरी मंथ की बात है जहाँ पर इस कॉइन ने 1.25 वाला लोवेस्ट एरिया ट्राई किया था, अपने लोवेस्ट प्राइस पर इसकी प्राइस हमें देखने को मिली थी। उसके बाद से वहाँ से भी बैक टू बैक हमें रिकवरी देखने को मिली, डेली के अंदर अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, साथ के साथ वॉल्यूम देखने को मिला। हालांकि उस टाइम पर भी BTC और दूसरे कॉइन्स में अच्छी रिकवरी थी, ओवरऑल जो क्रिप्टोकरेंसी मार्केट है वो रिकवर कर रहा था, तो उस टाइम पर भी इस कॉइन ने रिकवर करके और एक महीने के अंदर यहाँ पर 3.2 USDT वाला लेवल ट्राई किया था, उसके बाद 3.38 वाला लेवल ट्राई किया, यानी ऑलमोस्ट 200% से ज़्यादा का प्रॉफिट उस टाइम पर भी इस कॉइन ने लिया था, वहाँ पर भी हमने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद यहाँ बैक टू बैक करेक्शन देखने को मिला और मार्केट में भी करेक्शन था, सभी कॉइन्स ने अपने जो दिसंबर जनवरी वाला लोवेस्ट एरिया है उसके आसपास चली गई थी सभी कॉइन्स की प्राइस। इसने भी अभी 1.21 वाला लो बनाया, इससे पहले जो पिछले महीने भी हमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला था मार्केट के अंदर, उस टाइम पे 1.6 से रिकवर कर गया था, वहाँ भी रिकवरी रेशियो जो था वो बहुत अच्छा था, 50-60% की क्विक रिकवरी देखने को मिली थी। और यहाँ से भी अगर देखें तो 2.14 वाला एरिया उस टाइम पर ट्राई किया था, अभी भी 2.14 वाला लेवल इसने ट्राई किया, यहाँ पर अगर देखें तो 2.14 वाले एरिया से हमें करेक्शन देखने को मिला। अब यहाँ से और भी ऊपर वाले लेवल पर ये कॉइन जाएगा क्योंकि BTC ने अच्छा लेवल ट्राई किया हो, मार्केट में
ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ है। ब्लैक रॉक की ETF की जो न्यूज़ है उसने सबको ख़त्म कर दिया है, जो नेगेटिव न्यूज़ थी जितने भी बिनांस की, रॉबिनहुड की, और जो भी नेगेटिव न्यूज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से देखने को मिली थी सबको उसने यहाँ पर एक लेवल पे, यानी कि एक लेवल पर वो नेगेटिव न्यूज़ है और एक लेवल पर ब्लैक रॉक का ETF है, क्योंकि ब्लैक रॉक जो है वो ऑलमोस्ट 8.5 trillion USD के एसेट मैनेज करता है। वहाँ पर अगर ETF फाइल किया है, ETF अप्रूव हो गया, ETF के चांसेस है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये अप्रूव हो जाएगा, तो भी उस टाइम पर भी, ये तो सिर्फ न्यूज़ थी कि फाइल किया है, अगर वहाँ अप्रूव हो जाता है तो इजीली बिटकॉइन 30% तक मूव कर सकता है जिस लेवल पर बिटकॉइन उस टाइम पर ट्रेड कर रहा हो। 30% समझ रहे हैं, यानी कि दूसरे जो कॉइन्स हैं अल्ट्स कॉइन हैं उनमें 100% 200% और बैक टू बैक मूवमेंट देखने को मिला। जैसे एकदम से जैसे ही अप्रूवल की न्यूज़ आई BTC इजीली एक दिन में 30% मूव कर जाएगा, फिर बैक टू बैक मूवमेंट देखने को मिलेगा और वो हो सकता है कि अपने ऑल टाइम हाई को भी बहुत जल्दी उस टाइम पर ट्राई कर लें, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब वेव्स कॉइन की अगर बात करें तो यहाँ पर जिन लोगों ने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री ली है उनको एक अच्छा प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा होगा। अभी आपको 2.1 वाले लेवल पर प्राइस वापस देखने को मिलेगी, तो अगर आपकी 1.5 1.4 की भी आएंगे तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, तो 2.1 पर आप सेल करेंगे अपना 60% पार्ट जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वाले हैं, और सेकेंड 2.2 USD पर सेल करेंगे बाकी 40% पार्ट। इस टाइप से 60-40 के रेशो में आपको सेल आउट करना है, और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं जो मंथली बेसिस पर होल्ड करके 40-50% का टारगेट रखते हैं, भले ही चाहे आपकी 1.3 की बाइंग हो, 1.4 की बाइंग हो, 1.5 की भी बाइंग हो, तो भी आप 2.25 पर सेल करेंगे अपना 100% पार्ट जो शॉर्ट टर्म वाले हैं। तो इन लेवल्स की आपको सेल लिमिट लगा देनी, जो भी एक्सचेंज आप यूज़ करते हैं नॉर्मली सभी एक्सचेंजेस में बाय लिमिट और सेल लिमिट का ऑप्शन होता है, कुछ कॉइन्स में नहीं होता। जैसे इंडियन एक्सचेंज की अगर बात करें CoinDesX वगैरह की, तो इनमें कुछ कॉइन्स में ये ऑप्शन नहीं होता, बाकी लगभग सभी कॉइन्स में है। और अगर आप इंडिया से हैं तो आपको CoinDesX यूज़ करना चाहिए, जिसमें आपको लगभग सभी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, सभी कॉइन्स ट्रेड करने के लिए मिल जाएंगे और बहुत अच्छे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर है वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, ताकि आप क्रिप्टो लॉसेस से बच पाएँ, ओवर ट्रेडिंग को मैनेज कर पाएँ। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, ताकि आपको ओवरऑल कोइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।